आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का प्रदर्शन, आज प्रदर्शन का तीसरा दिन। रायपुर जिले की 3500 महिलाओं का हल्लापुर, प्रदेश में अलग अलग जिलों में महिलाओं का प्रदर्शन जारी। छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का करेंगे शुभारंभ। बच्चों को दवा खिलाकर किया जाएगा शुभारंभ, दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन। 30 जिलों में कुल 88 लाख से ज्यादा बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, सरगुजा रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुबह 11:30 बजे रायपुर के मैनपाट के लिए रवाना होंगे, मैनपाट में स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सहायक शिक्षक संघ करेगा सीएम हाउस का घेराव, 11 फरवरी को करेंगे सीएम हाउस का घेराव। सहायक शिक्षकों की हड़ताल का आज पांचवा दिन, चारों दिशाओं से पैदल चलकर करेंगे सीएम हाउस का घेराव। देश भर के राशन दुकान संचालक हड़ताल पर 11 सूत्रीय मांग को लेकर संचालकों ने खोला मोर्चा। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान, राजधानी में राशन दुकान कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, आज से दुकान खोलकर हितग्राहियों को बांटेंगे राशन। कवर्धा में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में लोगों में आक्रोश, विरोध में पालकों ने निकाली मौन रैली। स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग, पालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश, जस्टिस रमेश सिन्हा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए जस्टिस। नारायणपुर छोटे डोंगर मार्ग पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक के अंदर फंसे लोगों को 6 घंटे रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिला अस्पताल में इलाज जारी। पीएम मोदी आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को देंगे वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम दोपहर 3:45 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, जबकि मुंबई साईनगर शिरडी ट्रेन देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। पीएम मुंबई में 2 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। राजस्थान के दौसा में पीएम मोदी के 12 फरवरी को प्रस्तावित दौरे के पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 100 किलो विस्फोटक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार शख्स ने अवैध खनन के लिए विस्फोटक ले जाने की बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री आज बजट पर जवाब देंगे, बीजेपी ने बजट पर चर्चा के दौरान अपने सभी सांसदों को 13 फरवरी तक सदन में रहने का विधेयक जारी किया है। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर रसोई गैस पर सब्सिडी शुरू कर सकती है, लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। इंटरनेशनल स्तर पर गैस की कीमतें कम होने पर छूट दी जा सकती है। राजस्थान में आज बजट 2023 पेश किया जाएगा, सीएम अशोक गहलोत विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। मध्यम वर्ग को बिजली छूट और महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फॉर होम की सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान कर सकते हैं, बालोतरा, बयावर, कोटपुतली, नीम का थाना और कुचामन सिटी सहित 7 नए जिले बनाए जाने हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की सुगबुगाहट 4थी बार तेज हो गई है, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच 16 फरवरी को अगली बैठक। केजरीवाल सरकार ने पहले 13-14 फरवरी को एमसीडी की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था। 2024 आम चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, अखिलेश ने साफ किया कि सपा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी। सपा अध्यक्ष आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 आज अहम सुनवाई होने वाली है, अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट को साजिश बताते हुए दायर याचिका सहित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, सिंचाई के बिजली दरों में कटौती, आवारा पशुओं की समस्या सहित कई मुद्दों पर बुलाई गई है महापंचायत।
किसानों की समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पिछले 12 दिनों से जारी है अन्नदाताओं का धरना प्रदर्शन। किसान नेता राकेश टिकैत भी कर रहे हैं शिरकत। आज बड़े फैसले की उम्मीद। तुर्की सीरिया भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक का बड़ा दावा। डच शोधकर्ता फ्रैंक ने कहा, तुर्की जैसी विनाशकारी भूकंप भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आएगा। भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाके में शुरू। ऑपरेशन दोस्त के तहत शुरू हुए अस्पताल में सर्जरी, इमरजेंसी, जांच लैब और मेडिकल स्टोर है। तुर्की पहुंची एनडीआरएफ की टीम भी राहत बचाव में जुट गई है। भारतीय बचाव कर्मियों ने मलबे में फंसी एक बच्ची को निकाला। इसका वीडियो गृह मंत्री शाह ने शेयर करते हुए बधाई दी है। तुर्की सीरिया में राहत के लिए भारत ने 5C-17 विमानों से 250 से ज्यादा कर्मियों, विशेष उपकरण और अन्य सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों के लिए राशन की खेप भेजी गई है। इंडियन आर्मी ने गुरुवार को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें एक तुर्की महिला फील्ड अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक जवान को गले लगा रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। पुतिन डोभाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों सहित अन्य मुद्दों पर बात हुई। दोनों देश ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के एनएसए से मुलाकात कर दुनिया को चौंकाया। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आशंका जताई थी कि मुझे लगता है कि पुतिन जीवित नहीं है।